दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी के बुटीक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग, और फोर टक्स ब्लाउज की कटिंग की हर एक बारी क्या स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इतना विश्वास दिलाता हूँ, अगर ये वीडियो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को फोर टक्स ब्लाउज कटिंग 100% नहीं, 200% आप लोग फोर टक्स ब्लाउज एकदम परफेक्ट कटिंग करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो बहुत ही सुंदर होने वाला है और बहुत ही आसान भी होने वाला है नए लोगों के लिए। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे आप लोगों को सबसे पहले वीडियो मेरा मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं काउंटर पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं काउंटर पे, तो सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। बाही का लंबाई रहेगा 10 इंच का, गोलाई रहेगा बाही का 9 इंच का, आर्म होल रहेगा 16.5 इंच का, शोल्डर रहेगा 15 इंच का, ब्लाउज का लंबाई रहेगा 13.5 इंच का, चेस्ट पॉइंट रहेगा 10 इंच का, बैक गला रहेगा 10 इंच का, फ्रंट गला रहेगा 7 इंच का, अपर चेस्ट रहेगा 34.5 का, मिडिल चेस्ट रहेगा 35.5 का, और कमर रहेगा 30.5 इंच का। तो इसी मेजरमेंट से आज के ब्लाउज हम लोग कटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, इस ब्लाउज को कितने कितने मेजरमेंट के लेडीज लोग पहन सकते हैं? देखिए, इसको जो है 33 से लेकर और 36 चेस्ट के लेडीज लोग इसको हल्का सा सिलाई मारकर लूज टाइट करके पहन सकती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका कटिंग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग लंबाई है 13.5 इंच का, तो 14.5 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए लंबाई कितना है, 13.5 इंच, तो रखेंगे हम 14.5 इंच, 1 इंच बड़ा रखना है हमको। ये देखिए ऐसे, और यहाँ पे मार्किंग करेंगे 6 पर, ऐसा ही सेम इधर कर लेते हैं 6 ऐसा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे, इसको भी सीधा कर लेंगे। ये हमारा शोल्डर लाइन है, ये हमारा चेस्ट का और आर्महोल का। अब देखिए गले की चौड़ाई रहेगा हमारा 5.5 इंच का, तो इसको हम रखेंगे 5.5 का आधा आएगा, 2.5 इंच 2 सूत, मगर हम रखेंगे 2.5 पर, ये इतना मार्जिन सिलाई में जाएगा। तो इसको यहाँ पे कटिंग करेंगे, यहाँ कटिंग करेंगे, यहाँ कटिंग करेंगे तो फिर 6 का जो आएगा चौड़ाई, इसकी गले की चौड़ाई यहाँ कटिंग करेंगे, सिलाई दबाव पकड़ेंगे तो इतना पकड़ेंगे बराबर 5.5 इंच का आ जाएगा। ठीक है, अब सेम ऐसे ही इधर भी रख देंगे 2.5 इंच का और ये सिलाई का, अब इसको सीधा मार्किंग कर लेंगे ऐसे। ठीक है, हमारा शोल्डर है ब्लाउज का 15 इंच का, 15 का शोल्डर है तो यहाँ पर आएगा। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 4 इंच कम कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड से 2-2 इंच। ठीक है, तो 4 कम करना है तो इसको हम यहाँ से सिर्फ 2 इंच कम करेंगे तो बराबर 4 इंच का कम हो जाता है। हमारा बच रहा कितना, बच रहा है 11 इंच का, तो 11 भी यहाँ पर भी रख देंगे। अब इस दोनों को सीधा कर लेंगे। ठीक ना, अब देखिए अब क्या करेंगे, हमारा चेस्ट जो है 34.5 इंच का है। ठीक है, कितना है ध्यान दीजिएगा,
34.5 का चेस्ट है, ये शरीर का मेजरमेंट है, तो प्लस करेंगे इसमें हम लोग 2 इंच, तो कितना हो गया 34 2 36 36.5, ये हो गया हमारा 36.5 हो गया ये। ठीक है, इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच 1 सूत। ठीक है, यह मार्किंग कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 36.5। ठीक है, कमर है 30.5 का, तो 30.5 का चौथा भाग यहाँ पर आएगा आपका 7.5 इंच 1 सूत, यहाँ पे मार्किंग कर देंगे, और 1 इंच में 2 सूत कम का डाट लगाने के लिए, ठीक ना, यहाँ पर लिख देंगे 30.5 इंच, तो इसको इसको मिला देंगे, ठीक ना, ऐसे ऐसे, यहाँ पर नहीं मिलाना है, यहाँ मिलाना है, ये डाट लगेगा, ये देखिए क्या है, ये जो है हमारा ये डार्ट का है मार्किंग जो, तो हम यहाँ पर नहीं कटिंग करेंगे, यहाँ पे भी नहीं काटेंगे इसमें, और हम लोग ये देखिए यहाँ से कटिंग करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ बाहर लेंगे, इस लाइन से इधर बाहर लेंगे, ये हमारा 1 इंच का है बाहर, ठीक है, और इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक, ये पट्टी से आर्म की गोलाई दे देंगे, गोलाई के बाद इसको नाप लेंगे, आर्मोल हमारा कितना है 16.5 इंच का आर्मोल है ना, तो 8 इंच 2 सूत का ये राउंडिंग आना चाहिए। ठीक है, ऊपर से रखेंगे, छोड़ना नहीं है, ठीक है, एकदम ऊपर से नापना है, ऐसे रख के ऐसे घुमा के बढ़िया से, ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट आ गया है 8 इंच 2 सूत का। ठीक, अब इसको हम लोग कट कर लेंगे ऐसे, ठीक, इधर से भी ऐसे कट कर लेंगे, ठीक ना, ये देखिए यहां से ऐसे कट कर लेंगे। ठीक, ये हमारा बैक कट के ओके हो गया है, ठीक ना, बैक कट कर ओके हो गया है। अब क्या करेंगे, अब बेल्ट, इसी बैक से बेल्ट कैसे कटिंग करना है ये भी सीख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 इंच पे नाप लेंगे, इधर भी 2.5 इंच का, अब इन दोनों को सीधा मार्किंग कर लेंगे, मार्किंग होगा सीधा, अब यहीं से इसको यहाँ पर 1 इंच में 2 सूत कम मार्किंग ऐसे कर लेंगे, और एकदम सीधा मार्किंग कर लेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको अब ऐसे थोड़ा चटका कर लेते हैं मार्किंग, ये देखिए ऐसे कर लेंगे, अब इससे ही हम लोग बेल्ट कटिंग करेंगे। ठीक है, बेल्ट कटिंग करने के लिए हम लोगों को इसको ऐसे बिछाना है अस्तर को, और इसको जो है ऐसे रखना है, ऐसे रख के ऐसे थप थप ऐसे मार देना है इसको, मारना है, जब मार देंगे इस पर तो भी नहीं उठाना है इसको, पहले यहाँ से नीचे से एकदम कट करना है चिपक कर, हो गया, अब इधर से भी सीधा कट करना है, कट कर लिए, अब इसको हटा लेंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि इस पे वो जो है उसका निशान जो है वो आ गया है, तो निशान को छोड़कर, निशान पर नहीं कट करना है, निशान को छोड़कर दबाव के लिए आधा इंच छोड़कर कट करना, निशान छोड़कर आधा इंच कट करना है, ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है, मैं छोड़ाऊंगा निशान इसमें 1/2 इंच का। ठीक है, अब ये हो गया, अब इसको अस्तर को ऐसे रख लेंगे, अस्तर को ऐसे रखने के बाद अब इसको है थोड़ा इसको इसको कर लेते हैं, इसको अंदर ही कर लेते हैं हम लोग, है कि नहीं, तो डिस्टर्ब होगा कटिंग में, वो मार्किंग हो गया है, तो क्या मार्किंग जो है ठीक से दिखना चाहिए। ठीक, इस बैग को ऐसे ऊपर रख लेंगे, ठीक ना, और हम लोग इसको यहाँ पर नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इसको इधर कर लेंगे और ऊपर ले सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे रख लेंगे। ठीक, अब ऐसे रखने के बाद सबसे पहले हम लोग ये देखिए यहाँ से ऐसे हुक लुक के, हुक लुक का सिलाई का दबाव छोड़कर
कट करना है, कट हो गया, उगलों के दबा छोड़ दिया, ऊपर से चिपक कर कट करना है, यहाँ पर चटका लगा देना है, इधर भी एकदम चिपक के कट करना है बैक को, जो बैक का जो है चिपक कर कट करना है, ऐसे काट लेना है पूरा ही, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ पर आधा इंच का ज़्यादा लेना है, ठीक है, ले लीजिए ज़्यादा, आधा इंच यहाँ पर, ये हो गया। अब इधर भी ये जो लाइन सीधा आया हुआ है इस पे ऐसे मार्किंग करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे और फिर इधर यहाँ पे करेंगे, अब इस सिलाई पे सीधा मार लेंगे, ठीक है। अब एक काम और करेंगे, ये जो है यहाँ से इस मार्कर से मार्किंग कर लेंगे इधर ऐसे और इधर यहाँ तक, ठीक। अब यहीं से हम लोग 1.5 इंच बढ़ा देंगे इधर, जो हमारा बैक है ना बैक, यहाँ से 1.5 इंच इधर ले लेंगे, और जो आधे इंच बढ़ाया था ना यहाँ पर, इसको ऐसे करके सीधा ऐसे मार्किंग कर देंगे, मार्किंग हो गया। अब हमको चेस्ट सेंटर का मार्किंग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा ये मार्किंग हुआ है 30.5 का, इसको उठा कर ये देखिए ऐसे यहाँ पर रख लेना है 30.5 पे, यहाँ पर रखना है इधर वाले पे रख कर इस मार्क इस चौक से यहाँ पर ऐसे ऐसे कर लेना है, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हटा लेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीके बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से इसको सीधा मार्किंग कर लेंगे, इतना बड़ा करना है, छोटा करेंगे तो भी चलेगा, मैं तो मेरे थोड़ा बड़ा हो गया है, ये हो गया। अब ये जो लाइन है ये लाइन ये सीधा कर लेंगे यहाँ पर, ये देखिए सीधा हो गया। अब ये होने के बाद इसी लाइन से 1.5 इंच इस लाइन से 1.5 इंच नीचे इधर और 1.5 इंच इधर और मार्किंग करना, 1.5 इंच बढ़ाकर मार्किंग, ये मार दिया हूँ मैंने, ठीक है। अब ये मार्किंग होने के बाद सबसे पहले हमको ये चेस्ट सेंटर पे चेस्ट का पॉइंट का मार्किंग करना है। अब कैसे करना है, अब 10 इंच का चेस्ट पॉइंट आया हुआ है, ठीक ना, तो इस पे हम क्या करेंगे, ऐसे ही ले सकते हैं, अगर आप ऊपर से नाप रहे हैं तो 10 पे आया है तो 10.5 पे कर सकते हैं, एक ही तरीका होता है। और एक ही तरीका होता है कि यहाँ से आधा इंच ये दबाव जो जाने वाला है ऊपर, तो इस दबाव को दबाव पर टेप रख के आप 10 पे भी मार्किंग कर सकते हैं, तो आप 10.5 से ऊपर से लेंगे तो बराबर 10.5 पे आ रहा है, और दबाव पकड़ कर इधर लेंगे तो भी 10 पे आ रहा है, तो मिला जुला कर वहीं पर आता है। तो हमारा चेस्ट का मार्किंग हो गया है, चेस्ट पॉइंट का मार्किंग, मगर चेस्ट सेंटर पे, ठीक है, सेंटर निकालना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो ये उधर हो गया इधर हो गया फिर फिटिंग जो है खराब हो जाता है, ठीक ना। और बताता हूँ, ये मेन टक्स तो है ये लगाने के लिए, ये क्या करेंगे, हम यहीं से इसी सेंटर से 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, तो ये 2 इंच का हमारा डाट तैयार करेंगे यहाँ पर, और यहीं से इसको यहाँ से इसको मिलेंगे पॉइंट पे, इसको भी पॉइंट पे ऐसे मिला देंगे ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और फिर यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक, ऐसे मिला देंगे, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे यहाँ से, ये देखिए सीधा यहाँ पर आया, और फिर यहाँ से सीधा यहाँ पे और यहाँ से कट कर लेंगे, ये हो गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग ये आरमोल की गोलाई निकालेंगे, ये देखिए ऐसे कर लिया, जो मार्किंग यहाँ जो मारा था इससे यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर ऐसे सीधा कर लेंगे,
अब इसमें से गले की जो है फ्रंट की आर्म होल की गहराई निकालेंगे। तो बड़ा ध्यान से देखिए कैसे निकाल रहा हूँ, आप लोग मार्किंग करके सिखा रहा हूँ। देखिए ऐसे करके यहाँ से ऐसे, ये देखिए अब इस पे ही ऐसे निकाल लेना है इसको कट करके, ठीक। ये हमें फ्रंट का आर्म होल की गोलाई गहराई निकाल लिया हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग डार्ट का मार्किंग लगाना सीखेंगे। तो एक हमारा तो ए डार्ट हो गया है, अब बचा है तीन डार्ट, एक साइड का आर्म होल का और यहाँ सामने का। तो इस डार्ट से सिर्फ मैं ये देखिए यहाँ पे आएगा ना, तो इसे से मैं हल्का सा आधे इंच ऊपर ले लूँगा और यहाँ पर ऐसे सीधा एक मार्किंग करूँगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है। मैं बीच में मार्किंग नहीं किया हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब इसी सेंटर से डेढ़ इंच, इस जो सेंटर आ रहा है तो डेढ़ इंच इधर, ये देखिए मार्किंग मैं कर दिया, और यही इसी सेंटर से डेढ़ इंच इधर कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा गैप बना है तीन इंच का, ये देखिए तीन जगह गैप है इसमें। अब क्या करेंगे, ये हमारा डार्ट हो गया, ये हमारा डार्ट हो गया सामने का, ये डार्ट हो गया साइड का। तो इस डार्ट को सीधा न रख के समझिए, यहाँ से हम लोग ये सीधा जो है सीधा जो मार्किंग मारेंगे, तो ये सीधा मैं यहाँ मार लिया हूँ। अब यहीं से क्या करेंगे मालूम क्या करेंगे, डेढ़ इंच नीचे ले लेंगे। अब सीधा मारेंगे तो भी कोई फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा, यहाँ मारेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, मगर अपने भी पसंद होता है डार्ट है थोड़ा ऐसे मारेंगे तो दिखने में थोड़ा अच्छा दिखता है, और सीधा भी मारेंगे तो भी दिखता है अच्छा, मगर ये जो है यहाँ से थोड़ा मैं ऐसे कर ले रहा हूँ, ठीक ना। इसको नीचे ऊपर करने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर सीधा यहाँ पर भी मार सकते हैं आधे इंच नीचे एक नीचे, कोई कोई तो यहाँ पर लेते हैं, कोई कोई यहाँ पर ले लेते हैं, तो इससे कोई फिटिंग में कुछ दिक्कत नहीं आता है। तो अपना अपना चॉइस होता है, मगर मुझे जो है इस लाइन से डेढ़ इंच ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब डेढ़ इंच जो हम लोग यहाँ बढ़ाए हुए हैं, ठीक ना, तो ये आधा इंच जो है जब इसमें बेल्ट जोड़ेंगे तो उसमें चला जाएगा दबाव में, तो बचेगा हमारा एक इंच का जो गैप बच रहा है, तो इसी गैप को हम लोग डार्ट में ख़त्म कर देंगे। ये देखिए ये जो गैप है इस डार्ट मारकर उसको उसमें पूरा कर देंगे, ऐसे डार्ट मारेंगे इसे तो चला जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर हम लोग आधा इंच का डार्ट लगाएंगे यहाँ पर ऐसे, ये देखिए यहाँ पर आधा इंच का हमारा डार्ट आएगा यहाँ पर, ठीक है। इधर भी चटका लगा लेते हैं नीचे भी, ठीक, ये हो गया। अब बचा है एक दो तीन हो गया, और करना फोरटक्स का तो एक डार्ट और बन रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पे ना यहाँ पे यहीं से सीधा मार्किंग लेंगे। इस मार्किंग से इससे दो इंच, इस मार्किंग से दो इंच ऊपर लेना है, कितना, दो इंच, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो एक दो तीन चार, ये हमारा चार डाट बन के तैयार हो गया है। जो हम लोग यहाँ बढ़ाए थे आधा इंच का, उसी आधा इंच को यहाँ डाट मार देंगे तो कवर हो जाएगा, वो बराबर आ जाएगा, ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग चटका लगा देंगे। अब इससे मार्किंग कर लेते हैं डार्ट का, ठीक है, कि उस बाजू भी आ जाए। ये देखिए ठीक है, इधर से भी ऐसा, यहाँ से भी, इधर से भी सीधा मार्किंग हो गया है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करना है, हम लोगों को फ्रंट का गला कट करना है। गला कितने इंच का है, सात इंच की। तो यहाँ जो चटका लगाया है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, तो यहीं पर ऐसे रखेंगे और सात इंच पर मार्किंग कर लेंगे, ऐसे सीधा खींच लेंगे। इसमें दबाव छोड़ा था यहाँ पर इतना, ये दबाव को
वो करके 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे और सीधा ये मार लेने जाएगा। तो इस पे ऐसे देखिए गोलाई, मेरे कस्टमर हैं उन्होंने कहा गोलाई कैसे निकालना है, गले गोल गले का गोलाई कैसे निकालना है। तो ये देखिए इसको क्या करना है, सीधी सी बात है, देखिए सिंपल सा आपको दिखाता हूँ मैं, ऐसे कर लेंगे या सब लोग 1 इंच पहले लेंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर और यहीं से ऐसे यहाँ पर इसको ऐसे कट कर लेंगे इस पे। ये हमारा हो गया गोल गले की कटिंग, ठीक ना, और ये पूरा प्रॉपर कट गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको साइड में रखते हैं, ये बैक हो गया और ये फ्रंट हो गया और इसका बेल्ट हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा मास्टर जी को बुटीक को, ठीक है। मेरे इस चैनल पे मैं ऐसे वीडियो लेकर आता रहता हूँ, अगर कुछ पूछने तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ लीजिए, उसका रिप्लाई मैं तुरंत देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।